रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से क्रिकेट विकेट के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को धूल चटा दी। टी20 वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तानी टीम ने एक और शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए श्रीलंका को भी 5 विकेट से हरा दिया। सिलहट में खेले गए मैच में श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंकन टीम 18.5 ओवर्स में 112 रन बनाकर आउट हो गई। तुबा हसन ने 2 और निदा डार ने 1 विकेट हासिल की। इसके बाद उमैमा सहेल ने किसी को टिकने ना दिया और शानदार स्पिन बॉलिंग करके पूरी 5 विकेट गिराई और वो भी सिर्फ 13 रन के इविज। उमैमा सहेल ने पाकिस्तान की जानिब से टी20 में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज भी अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने 5 विकेट की फतह के साथ लीग मरहला दूसरी पोजीशन पर मुकम्मल किया। कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का टी20 वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम की ओपनिंग जोड़ी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को तब्दील करने के हवाले से बयान सामने आ गया। सैफरी की टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चौथे मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पिछले 2 सालों में ये जोड़ी टॉप पर खेल रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है और अब वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ऐसी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, ऐसा करना ख़तरे से खाली नहीं होगा। रिजवान सैफ अफ्रीकी सीरीज़ के पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके बाद बाबर ने भी अवार्ड जीता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भारतीय निषाद खिलाड़ी मिहिर चाकर को 14 साल पाबंदी की सज़ा सुना दी। ICC का कहना है कि मिहिर चाकर ने 2019 में मुत्तहिदा अरब अमीरात और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली सीरीज़ फिक्स करने की कोशिश की और अमीरात के क्रिकेटर्स कबीर खान और गुलाम शबीर को फिक्सिंग की पेशकश की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि एक खिलाड़ी को ग्लोबल टी20 खिलाने की लालच देकर फिक्सिंग पर उकसाया। इस हवाले से ICC का कहना है कि मिहिर चाकर ने ICC की तहकीकात में शामिल होने से भी गुरेज किया। उनको एंटी करप्शन कोड की 7 दफात की खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें देसी TV USA या विजिट करें हमारी वेबसाइट desitvusa.com।